हेलो फ्रेंड्स, मुझ सुजित आपको वेलकम करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल सुजित इंस्टीट्यूट ऑफ रिवोल्यूशन सार ओडिया को। जदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जपर ओटीटी सीटीटी ओएसएसटीटी जीटी जेटी प्रिपेयर होती मो सहित जड़ी रुंतु आपको यथसंभव साहय करी। आज गोटे इंपोर्टां टपिक्स नहीं आसी जाइए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा रो जो ओटीटी संबंधित जो अपेक्षा करते जो पिलाने से गोटे नोटिस पलैसी जो ईमेल आसो टेंडर नोटा भेरी भेरी इंपोर्टां आसतु डिस्कशन करिया कौन सही आब एग्जाम आउ कौन कौन तार क्राइटेरिया आउ मॉक टेस्ट कौन अच्छी केमी कौन अच्छी मुझे पूरा संपूर्ण डिटेल्स भाव में बुझे दूसरी ये मुझे रखुजे गत थर जो आम ओटीटी एग्जाम हबार था से कौन है ना से पेपर लिक हो जाता से ओटीटी एग्जाम कैनसल हो जाता कि मार्च मसरे यहाँ कंडक्ट होगा जाऊँ कारण ये जो आम टेन्थ एग्जाम सरला बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यार करियो बोली पूरा टेंडर पकई सारी आसतु देखा आप देखिपे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट रे सब दे माने पूरा फास्ट स्टार्टिंग करू सब पूरा दे देती केमी कौन करेंगे मॉक टेस्ट दे देती मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर कौन हम आउ गोटे कथा कही रखुच्छे सी एग्जामिनेशन सेंटरटा केमी कौन मैनेज करेंगे आउ कौटि कौटी एग्जामिनेशन हम से विषय भी कहीदेगी कारण से होम स्टेट होम सरी होम डिस्ट्रिक्ट हम बोली से पूरा एक्सप्लेनेशन करदे आसतु मुझे देखेदे आप प्रूफ ये देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से फास्ट दे कंडक्ट कर गोटे प्री एग्जाम से एग्जामिनेशन पोस्ट एग्जामिनेशन यहाँ सब दे रुंतु मुझे इंपोर्टां से कहि पूरा पढ़ा तो बहुत समय लगे मुझे पढ़ी आगे थोड़ा कि मुझे ये करदे तार एलिजिबिलिटी देखो एप्लीकेबिलिटी एलिजिबिलिटी ओटीटी कौन कर ना ये होची आपण जानते कैटेगोरी ए कैटेगोरी बी कैटेगोरी ए है जो आमर सिटी पिला कैटेगोरी बी है ग्रेजुएशन पिला जो बीईडी पिला आस देखा नेक्स्ट को नेक्स्ट कौन नेक्स्ट देखते एग्जामिनेशन पेपर आस जाए दुटा पेपर हम पेपर वन पेपर टू से सब अढ़ाई घंटा भाया हम मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन आसो आर कौन अच्छी ना तार ओडिया हिंदी लांगुएज जहाँ थी से अच्छी केवल एथेर जहाँ थी से अच्छे जोड़ा चेंजेस मुझे आपको स्लोली कहीदेवि जोड़ा मैंने किसी इंपोर्टां ना ही मुझे शीघ्र शीघ्र कहीदे आस देखिए नो नेगेटिव मार्किंग कितु ये जो टीआरटी बाहर जो टीचर रिक्रुटमेंट टेस्ट सेमती अच्छी आम नेगेटिव मार्किंग कितु एटे नेगेटिव मार्किंग ना ओके सब पिलांर कन्फ्यूजन थी काले नेगेटिव मार्किंग हो कि अनलाइन होगी कि नेगेटिव मार्किंग ना आस देखिए नेक्स्ट कौन दे नेक्स्ट केबे कौन हम देखु सेटिंग ऑफ द टेस्ट सेंटर दे कौन ना जमी अरेंजमेंट करेंगे जमी स्टेट ऑफ ओडिशा जमी ऑनलाइन एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो पार पूरा ये लिखिदे ओके वन मिनट देखु अरेंज सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर एक्रॉस द स्टेट थ्रू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम तापर देपटे मॉक टेस्ट देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण बहुत पिला अच्छा जो मैंने कि एजाए भी ऑनलाइन एग्जाम देना से निहाती दरकार कौन ना सैंपल टेस्ट पेपर आउ मॉक ट्रायल से दिहब के पंदर दिन पूर्व जोटा सैंपल ऑनलाइन टेस्ट ट्रायल गोटे आसो पंदर दिन पूर्व आप ट्राए करेंगे केमी कौन आसो क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट देखु आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी तीसटा क्वेश्चन आसो तीस मार्क आउे लांगुएज जो तीस मार्क आउ इंग्लीश तीस मार्क मैथमेटिक्स एनवायरमेंट स्टडी ओके आस देखा ये जो एक्सट्रा दे कौन ना एनवायरमेंट स्टडी जो सिटी पिलांर तापर एटा देखु सोशल स्टडी जो षाठी जहाँ थी से अच्छी किसी एत चेंजेस ना कि मेन इंपोर्टेंट हो कौन ना आम देखते एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन रे कमी मैनेजमेंट कराव तार कंडक्ट हे एग्जामिनेशन बहुत बड़ अच्छी ए दीटा पीडीएफ अच्छी मुझे आपको गोटे देखा आउ गोटे सीटा बीडर फिडर प्रति जो मैंने टेंडर नौन से प्रति ये देखिए ओके तेब देखूँ लैब टेस्ट किंतु मु फास्ट रू आप देखेदे गोटे मिनट रुंतु ये देखु ये हूँ आसी जा कौन ना आमर जो 16/2/2019 ये हूँ डेट्र ये हूँ नोटिफिकेशन बा ईमेल ओके टेस्ट गला एबे देखु हाँ यहीटा है इंपोर्टेंट यहाँ कौन ना सी दे मैक्सिमम एरिया रे आमर जो डिस्ट्रिक्ट रे डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं सेमित किसी ना जे बहुत पिला भावुले एग्जामिनेशन सेंटर मे भी भुवनेश्वर पकई पारे कटक भुवनेश्वर ही खाली हम सेमती किसी ना प्रति डिस्ट्रिक्ट भी हम बोली योजना चली जो भल भल लैब अच्छी ओके
ସେମିତି କିଛି କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନି ଯେ କେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏବେଠୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଇମେଲ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମେ ବି ହାର୍ଡ଼ଲି 10-15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ, ରେଜଲ୍ଟ 5 ଡେଜ୍ ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, 5-10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ, ମିନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ କି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ OTT ସଡନ୍ଲି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବନି ଯେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ ସେତେବେଳେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।